हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से जो है नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, हम जो है अभी आए हैं म्यूजियम के अंदर में और यहाँ कुछ यादें हैं जो आपको वापस तरोताज़ा कराते हैं हमारे आज़ादी के समय। ये जालियांवाला बाग की कहानी यहाँ बताता है। यहाँ उसके लिए एक कुआं बनाया गया है ना। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोलीकांड करवाया था 13 अप्रैल द डे ऑफ वैसाखी। तो गाइस, ये जो कक्ष है ना, इस कक्ष में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भारत था, इंडिया का क्या योगदान रहा था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है पूरा। गाइस, इस वाले बिल्डिंग में जो म्यूजियम था, इस म्यूजियम में आपको जो है ना, पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ था, उसको जो है वर्णित किया गया है। ये दूसरे वाले म्यूजियम में प्रवेश करते हैं, आपको हम दिखाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास भी तलवार था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के तलवार और मैयान, ये देखिए। ये क्या चमचमाते हुए तलवार है, उसके मैयान है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक के पहचान पत्र, ये आईडी कार्ड, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के आईडी कार्ड, ये देखिए किस तरह से आईडी कार्ड होते थे। ये रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो तगमे और पदक होते थे ना फौज के, ये उनके ऊपर जो है ना, वर्दी के ऊपर लगने वाले जो होते थे, वर्दी के जो ऊपर लगाया जाता था ना तगमे, वो और जो मिलते थे पदक मेडल्स, वो ये हैं। आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान जो है ना, मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं, और उस समय मणिपुर में जो है ना, जापानी मुद्राएं जो है वो चलाया जाता था। ये देखो, 100 रुपये का जो है ना, ये जापानी मुद्रा था जो मणिपुर में चलाया जाता, और उस समय में मणिपुर में जो है ना, वो आज़ाद हिंद फौज की जो है वो कब्जा हो गया था, यानी कि आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी की जो है ना वो सरकार थी। वहाँ आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैज हैं। ये देखो, ये बैज जो है ना, आज़ाद हिंद फौज के जो मेजर होते थे और कप्तान होते थे उनके ऊपर लगते थे, ये INA के बैज। हम सबसे अच्छी चीज़ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कुर्सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जिस पर बैठते थे, वो कुर्सी आपको दिखाते हैं, नेताजी की कुर्सी। और ये रहा हमारे नेताजी की कुर्सी। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट चीज़ें, और दिखाएंगे जो जो है ना हमारे इतिहास में हमसे छुपाया गया, वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे देखिए नेताजी की वो सारे पुरानी मूर्तियाँ, उन फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जो देश के इतने महान जो है क्रांतिकारी नेता, हमारे देश की आन बान शान को जन्म देने वाले बोस के माता पिताजी, ये देखिए। इनके माँ जो है प्रभावती देवी, और इनके पिताजी का नाम जो है जानकीनाथ बोस जी, सच सच नमन है। सुभाष चंद्र बोस जी के बचपन का फोटो आपको दिखाते हैं, ये देखिए। उनके कॉलेज के दिनों का जो है ना, ये फोटो है जब वो बचपन में कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता और पुत्र जानकीनाथ बोस और सुभाष चंद्र बोस जी। यहाँ हमारे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण और बाबू बेनी माधव दास जी, महान नेता सब। ये देखिए, आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज़ कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो आज़ाद हिंद फौज था, उनके कुछ दस्तावेज़ जो पब्लिकली किया गया है, यहाँ रखा गया है। आज़ाद हिंद फौज के रानी झांसी रेजिमेंट की कप्तान जो है लक्ष्मी स्वामीनाथन की टोपी जो है वो ये है, और ये हैं जो है लेफ्टिनेंट आशा सहाय की टोपी। कार का झंडा, ये कार के ऊपर जो झंडा लगाते थे सुभाष चंद्र बोस जी, वो है। और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक की बैज है ये, और ये आज़ाद हिंद फौज के कर्नल जो थे वो भोसले के, भोसले की कटार है ये। और ये चेकबुक, आज़ाद हिंद फौज संघ की चेकबुक आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है चेकबुक, आज़ाद हिंद फौज संघ की चेकबुक। ये सुभाष चंद्र बोस जी का जो है ना त्यागपत्र जो है, एक अतुल्य बलिदान है, इनके द्वारा त्यागपत्र जो ये दिए थे, यानी उन्होंने ICS की नौकरी जो है ना छोड़ दी थी, अंग्रेजों का ICS, और फिर इसके बाद से आज़ादी की लड़ाई में वो आ गए थे। वो उनको
अंग्रेज़ों की जो है वो नौकरी करने करने का अच्छा नहीं था, मन नहीं था, लेकिन उनके माता पिता का इच्छा था तो वो तैयारी किए ICS का। उस समय में IAS का पेपर नहीं, ICS का पेपर होता था, और उन्होंने जो है वो उसका एग्ज़ाम क्लियर कर गया। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने आपको जो दिखाया हमने, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। तो घर पे आके उनके पिताजी जो है उनसे नाराज़ भी हो, पूछे तो करोगे क्या, तो बोले हम ये विदेशी अंग्रेज़ों की जो है ना गुलामी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद से उन्होंने जो है वो आज़ादी की लड़ाई में आ गए। ऐसे महान बलिदानी क्रांतिकारी को जो है ना सैल्यूट। INA आज़ाद हिंद फौज की जो संगठन थी, जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो अंडमान निकोबार पे जो है वो अपने कब्जा कर लिया था। और इस तरह से उसके सैनिक जो है वो देख रहे हैं आप। और ये था अंडमान निकोबार की स्थिति, आपको दिखा रहा हूँ। ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान में नेताजी इस तरह से सभा को संबोधित कर रहे हैं अंडमान जीतने के बाद। और हमारे पीछे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी जो है ना हिटलर से जो मुलाकात किया था उन्होंने, ये हिटलर से मुलाकात करते हुए वाले जो वो है और बैठक को संबोधित किया था बर्लिन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं ये तस्वीर है 1943 में जो बंगाल में अकाल आया था उसकी है। और इसके बारे में बता दूँ कि अंग्रेज़ जो है नेताजी के पीछे इस तरह से पड़ गए थे कि उनके आज़ाद हिंद फौज को घेरने के लिए, जो मणिपुर वाला एरिया है उनको घेरने के लिए जो है उन्होंने जो है पूरे बंगाल के जो जितना भी रसद था, अनाज था, वो इकट्ठा करके अपने सैनिकों को पहुंचाने के लिए लगा दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ ऐसे ये हुआ कि बंगाल में हो गया अकाल, और बंगाल में अकाल पड़ गया। उस अकाल में जो है वो लगभग जो है वो 50 लाख, ये मैं आंकड़ा आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 50 लाख लोगों की जो है मौत हो गई थी। और ये मौत को रोकने के लिए नेताजी के द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया था अंग्रेज़ों सरकारों को, कम से कम जो है ना आप 1 लाख टन चावल जो है, चावल अनाज जो है वो बंगाल को पहुँचाया जाए, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके परिणाम स्वरूप 50 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये था अंग्रेज़ों का मानवीय ह्यूमन राइट्स। जितने भी प्रवासी भारतीय था, यानी कि जो भारतीय इंडिया से बाहर रहते थे, वो नेताजी के आह्वान पे जो है उनके साथ जो है जो खड़े हो गए और अपने जान की बाजी लगाए और आज़ाद हिंद फौज को जो है उन्होंने जो है ज्वाइन किया। और बहुत सारे ऐसे परिवार रहा जो कि आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने योगदान दिया उन्होंने, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे उनके पास। तो इस तरह से जो है ना उन्होंने जो है अपना पूरा योगदान दिया है पूरे आज़ाद हिंद फौज को। ये देखिए हमारे पीछे जो कुछ तस्वीरें दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह से पूरे ये गैलरी में देखिए, ये है आज़ाद हिंद फौज के कमांडर सुभाष चंद्र बोस जी। और यहाँ जो है उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर म्यूनसिपल भवन के सामने आज़ाद हिंद फौज की परेड हुई थी, और इसी परेड में इतने सारे सैनिक आपको दिख रहे होंगे। ये सारे सैनिक जो है वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक है, और ये सारे सैनिकों को उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली पे कूच करो और अंग्रेज़ों को जो है यहाँ से भगाने के लिए जो है ना पूरा उन्होंने इस तरह का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा, जो फेमस नारा हो गया बाद में। ये देखिए हमारे पीछे जो है ना ये शरफुद्दीन केचलो, ये है भगत सिंह, हमारे महान भगत सिंह। और ये जो है वो भगवतचरण बोहरा, जगन्नाथ दास, और ये है बटुकेश्वर दत्त। यहाँ आके जो है ना वो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी जब मांडले के जेल में थे तो उनका जो है ना जीवन कुछ इस तरह से पूरा चित्रों के साथ और पूरा वर्णन के साथ जो है ना बताया गया है। बहुत कुछ हमारे किताबों में जो है इनके बारे में नहीं बताया गया है जो बताना चाहिए। तो अंदर में गर्म हवा था, बाहर में ठंडा हवा था? अच्छा, अंदर में ठंडा हवा था, बाहर में लग गया गर्म हवा। अच्छा, जो है ये लाल किला के अंदर में जो है अभी हम हैं घूम रहे हैं, लेकिन इसमें जो है लाल किला के अंदर में शाहजहाँ के द्वारा जो कुछ कंस्ट्रक्शन बनाए गए थे, जो उनके रहने के लिए महल है, जो रहने के लिए वो उन्होंने ये क्या किया क्या बनाया, वो सब देखने को मोनूमेंट्स है देखने के लिए है, जो ठीक है अच्छा है।
आपको देखने में मज़ा आएगा घूमने में। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा कि ये म्यूजियम, और आप अगर आप आए ना तो ये म्यूजियम में आके ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस म्यूजियम में जो है वो हमारे क्रांतिकारी के बारे में बताया गया है, हमारे इतिहास के बारे में, जो हमारे किताबों में हमें नहीं पढ़ाया गया ना, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में खासकर आपको हम दिखाए। अगर आप भी सहमत है रखते हैं कि सच में हमारे महान सुभाष चंद्र बोस जो है देश के लिए क्या किए, बहुत बड़े योगदान दिए, बलिदान दिए, और फिर जो है उसके बाद नौकरी करने के बाद चूहा कूद रहा पेट में। देखिए हम बात कर रहे थे, उसको पेट में चूहा कूदने लगा। सिया हा? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अभी तो बोली चूहा कूद रहा है, सिद्धि के पेट में कुछ चूहा कूद रहा है। अच्छा तो गाइस ये दोनों जुड़वा है, मैं भूल जाता हूँ ना कि कौन सिया है कौन सिद्धि। ये देखे हैं, देखे गाइस हम लोग को घूमते घूमते लग गई है भूख, और हम आए हैं कहाँ, कैंटीन में। और हमारे पीछे ये देखिए, ये इसके अंदर में म्यूजियम के अंदर में ना कैंटीन भी है आपको, ये लाल किला के अंदर में ना द किला कैफे कैंटीन, ये सारे चीज़ें इसमें मिलते हैं। इस तरह का कैंटीन है, यहाँ कुछ टेबल इस तरह से बने हुए हैं और उधर चेयर बैठने के लिए, और हम लोग कुछ जो है वो खाने की व्यवस्था करते हैं, प्रावधान करते हैं और कुछ लेते हैं खाने को। क्या सैंडविच इडली हाँ ले लीजिए, इडली खाओगे, इडली खाओगी सिया? हाँ तो ठीक है इडली ले। तो गाइस हम लोग जो है कैंटीन में ये लिए हैं, क्या खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं हम लोग, इडली और चटनी, और ये देखिए बहुत अच्छा है इडली और चटनी। अपना नॉर्थ इंडियन का खाना जो है नॉर्मली खाती हैं, तो यहाँ आने के बाद कुछ अलग ट्राई किया। हाय गाइस, मैं मुझे अभी मिर्ची लगा था, मैं अभी पानी पी लिया, मेरा मिर्ची कम लग गया, कम हो गया, और हम अब खाएंगे मिर्ची को। देखो मिर्ची को ऐसे लो, इतना बड़ा मिर्ची है ना, ऐसे खाओ। नहीं खाओगी? नहीं, मैं खा के दिखाऊं? हाँ खा। देखो जादू, इतना बड़ा मिर्ची लिया, छोटा सा ऐसे करके गजब बेइज्जती है। पिज्जा जल्दी खाते और भी अच्छा, इतना पिज्जा खाते हो? बहुत पिज्जा खाती है ना? कौन? ये पिज्जा बर्गर बहुत खाती है। तुम्हारे दांत कौन ले गया? चूहा। चूहा? अच्छा तुम्हारा दांत कौन ले गया फिर? उसका दांत चूहा ले गया, तो फिर तुम्हारा दांत कौन ले गया? मेरा भी चूहा। तेरा भी चूहा ले गया? कौवा? कौवा किसी का दांत नहीं ले गया। अच्छा तो मुझे पियोगे कोका कोला? कोका कोला पानी लिया हो ना, ठंडा पानी पियूंगा, जूस नहीं पीते? जूस पीता हूँ, अभी नहीं पियूंगा। कब पियोगे? दो चार दस दिन के बाद। गाइस ये वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, इसलिए हम आगे का जो है वीडियो आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। ओके बाय, जय हिंद। मुझे हाय, मेरे पापा भी गए बड़का को खाने देने के, अभी तक नहीं आए। हम लोग जाएंगे, अब वो नहीं आएंगे, वो गए हैं, हम लोग जाएंगे जल्दी, वो नहीं आएंगे। एक पानी दे ना। कैसे बोलता है, पानी दे दो, पानी ले लो पानी।